गाजा में एक साथ बमबारी, इसराइल की बमबारी में 7 लोगों की मौत, कई जगहों पर सुनी गई सायरन की आवाजें। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्ला के हथियारों को किया नष्ट, सभी हथियारों और सामानों को किया आग के हवाले। इजरायल ने लेबनान में इमारत को बनाया निशाना, बिल्डिंग पर दागी मिसाइलें, हमले से इमारत में लगी भीषण आग। लेबनान में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी, आईडीएफ की 98वीं डिवीजन ऑपरेशन को दे रही है अंजाम, हिजबुल्ला के आतंकियों की तलाश। बेरूत में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी, बेरूत पर रात भर दागे गए बॉम्ब, 24 घंटे के अंदर हमले में मारे गए 50 हिजबुल्ला के लड़ाके। हिजबुल्ला के ठिकाने पर इजरायली सैनिकों की रेड, घर से मिला हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में रॉकेट भी बरामद। इजरायल के हमले में हिजबुल्ला की कमांडर चीफ हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि, दक्षिणी बेरूत में मिसाइल अटैक में हुई मौत। युद्ध के हालात को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हो सकती है बात, कल दोनों फोन पर कर सकते हैं चर्चा, आगे की रणनीति होगी तैयार। इजरायल और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक टली, ऑस्टिन और गैलेंट के बीच नहीं हुई कोई बात। यूनिसेफ ने लेबनान भेजी मानवीय सहायता, 167 मीट्रिक टन मेडिकल सुविधा की गई सप्लाई, करीब 20 लाख लोगों पर हमले का पड़ा असर। इजरायली पीएम नेतन्याहू की लेबनान के लोगों को नसीहत, हिजबुल्ला के खिलाफ खड़े होने को कहा, तभी खत्म हो सकता है युद्ध। सीरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा, अलेप्पो और इदलिब में भेजी गई अतिरिक्त सेना, इजरायल के हमले के बाद सुरक्षा सख्त। अमेरिका में तूफान मिल्टन का कहर, तूफान का डेटा इकट्ठा करने के लिए एनओए के शोधकर्ताओं को उबड़ खाबड़ यात्रा का सामना करना पड़ रहा है। मैक्सिको में तूफान मिल्टन का दिखा असर, कई जगहों पर गिरी बिजली, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। नासा ने तूफान मिल्टन की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, तूफान मिल्टन की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में हो सकती है देरी। मैक्सिको में तूफान की वजह से समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र के किनारे पर बना पुल ध्वस्त हुआ, लोगों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया। कोलंबिया में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने मुर्गों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उसे नियंत्रित करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों का अपहरण, आतंकियों ने 2 जवानों को किडनैप किया, एक जवान वापस लौटे, दूसरे की तलाश जारी। अपहरण किए गए जवान की तलाश तेज, सेना ने इलाके में चलाए सर्च ऑपरेशन, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का ऐलान, आज देश भर में डॉक्टर्स करेंगे भूख हड़ताल, हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े। कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टर्स का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल का किया समर्थन, ट्रेनी से रेप मर्डर केस में न्याय की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, राज्य में बीजेपी तीसरी बार बनाएगी सरकार, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली। हरियाणा में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत पर देश भर में जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाड़वा सीट से चुनाव जीते, कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,000 वोटों से हराया। हरियाणा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार हारी चुनाव, 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी, इंटरनेशनल लोक दल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम की। हरियाणा की गढ़ी सांपला सीट पर कांग्रेस का कब्जा, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने 71,465 वोटों से जीत कर एक बार फिर से जीत दर्ज की है, भूपेंद्र हुड्डा को 1,08,539 वोट मिले हैं, बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा को हराया है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जो रिजल्ट है उससे बीजेपी अचंभित है, तंत्र का क्या रोल है इसकी जांच करेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस जाएगी। हरियाणा चुनाव की सबसे चर्चित सीट जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जीता चुनाव, 6,115 वोटों से जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली है, बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर नंबर 2 की पार्टी बनी। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जश्न, दिल्ली पार्टी मुख्यालय में पीएम का जबरदस्त स्वागत, पीएम मोदी बोले, जनता ने छप्पर फाड़ वोट दिए, इस जीत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज, कहा कांग्रेस पूरी तरह परजीवी पार्टी है, अपने सहयोगियों को भी निगल जाती है, झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी पड़ी भारी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी। बोले, चुनावों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोले पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव हुए हैं। ये भारत के संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हरियाणा में हमारी जीत ऐतिहासिक है, ये फिर साबित हुआ कि मोदी हैं तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने जलेबी को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज, बोले जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे उनको घर पर बैठा दिया, उन्हें जलेबी खाने को नसीब नहीं है। जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव के बाद अमित शाह ने चुनाव आयोग का जताया आभार, कहा राज्य में मना लोकतंत्र का महापर्व। नड्डा बोले, 370 हटने से रिकॉर्ड मतदान, पहले था आतंक का राज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को बताया अप्रत्याशित, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है, तानाशाही के खिलाफ लंबी लड़ाई है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये तंत्र की जीत यही लोकतंत्र की हार, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों पर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता राम माधव, जम्मू की जनता ने पूरे दिल से हमको वोट दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद उद्धव ठाकरे का बदला सुर, बोले महाविकास अघाड़ी में सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी सीएम चेहरे का समर्थन करेंगे। हरियाणा के अंबाला सीट से जीत के बाद बीजेपी विधायक अनिल विज ने किया रोड शो, कांग्रेस पर कसा तंज, कहा जब ये हारते हैं तो ईवीएम को देते हैं दोष। हरियाणा में हार पर कांग्रेस में दो फाड़, जयराम रमेश बोले ये लोकतंत्र नहीं तंत्र की जीत, स्थानीय लोगों पर बनाया गया दबाव, शैलजा बोली पार्टी जिम्मेदार। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले चुनाव में अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है, हरियाणा के चुनाव से हमें सीख मिली है। कांग्रेस की हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा वार, बोले मोहब्बत की दुकान पर शटर बंद हो गया, राहुल कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए। ईवीएम को जिम्मेदार ठहराए जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, जब भी कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ती है। ईवीएम को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया, जब उन्होंने तेलंगाना जीता तो यह उनकी जीत थी, जब वे हारे तो ईवीएम को दोषी ठहराया। बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, एक बार फिर लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, बोले हरियाणा के लोगों ने वंशवाद और अलगाववाद की राजनीति को नकार दिया है, हरियाणा के लिए विकास की राजनीति को एक और मौका दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हरियाणा में कांग्रेस ने पहलवानों, किसानों और जवानों को भी बांटने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा बीजेपी के साथ खड़ा रहा। हरियाणा की जीत पर रिपब्लिक भारत से बोले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा नई पीढ़ी को मौका देती है, इसलिए हरियाणा में जीते, पहले खट्टर जीते फिर नायब है। मायावती ने जाट समाज पर फोड़ा हरियाणा चुनाव में खराब प्रदर्शन का ठीकरा, पोस्ट कर लिखा, हरियाणा के जातिवादी जाट समाज की वजह से बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा है, जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, जलेबी खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर होगी बैठक, सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट दे सकती है। नवरात्रि की केरल में दिख रही है छटा, ब्राह्मण समूह महिला ग्रुप ने की माता रानी की विशेष पूजा, भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सजा अनोखा दुर्गा पंडाल, न्यूज़पेपर की थीम पर पंडाल लगाया गया, अखबार के पाठकों की घटती संख्या को दिखाया गया। देशभर में नवरात्रि महोत्सव की धूम, तमिलनाडु की कृष्णगिरी शक्तिपीठ में भक्तों का सैलाब, मां लक्ष्मी की 150 फीट ऊंची और उल्लू की 40 फीट मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। तेलंगाना के वेमुलावाड़ा में थुकम्मा समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने की शिरकत, मौके पर कई गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जिला कलेक्टर और अधिकारियों को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएम और अधिकारियों संग की मीटिंग। पीलीभीत में धर्म परिवर्तन के मामले में 9 लोगों का पंचायत ने किया बहिष्कार, सिख परिवारों ने अपनाया था ईसाई धर्म। बुलंदशहर में एफडीए ने करीब 9 दुकानों पर छापेमारी की, खाने के सामानों का लिया गया सैंपल, सभी सैंपल्स की जांच के बाद होगी कार्रवाई। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर का ऐलान, पहचान देकर ही मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाएं, मेरठ में बहन बेटियों की जागरूकता के लिए लगाए पोस्टर, बोले मेहंदी लगाने वालों को नेम प्लेट लगाना हो अनिवार्य।